हेलो फ्रेंड्स आज हमें पढ़ना है एन आई एस क्लास टेंथ इंग्लिश टू जीरो टू का चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन द विलेज फार्मेसी देखते हैं विलेज फार्मेसी में क्या होगा कि गांव में कैसे किस तरह की दवाइयां मिलती हैं किस तरह के डॉक्टर होते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या लिखा है इसमें वी हैव ऑल सीन नीम ट्रीज ग्रोइंग नियर योर हाउसेज ऑन रोड साइड्स इन पार्क इन गार्डन्स इन फॉरेस्ट एंड इवन इन ऑन हम सभी ने अपने घरों के पास सड़कों के किनारे पार्कों में बगीचों में जंगलों में और यहां तक कि अपने आंगनों में भी नीम के पेड़ों को उगते हुए देखा है हम में से कुछ लोग इसके कुछ उपयोग भी जानते हैं बट डू यू नो दैट द नीम इज वंडर ट्री एंड दैट एवरी पार्ट ऑफ इट है सेवरल यूजफुल क्वालिटीज क्या आप जानते हैं कि नीम एक चमत्कारी पेड़ है और इसके हर हिस्से में उपयोगी या कई उपयोगी गुण होते हैं डोंट यू थिंक तो क्या आपको नहीं लगता देन तब दैट इट इज करेक्ट टू कॉल इट विलेज फार्मेसी अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर एंड गिवन आउट ये नहीं लगता कि इसे गाँव की दवाखाना कहना सही है ऐसी जगह जहां दवाएं तैयार की जाती है और दी जाती है उसे हम कहते हैं विलेज फार्मेसी चलो जब ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं आइडेंटिफाई वेज टू ऑनर मेमोरी ऑफ लव्ड वंस अपने प्रियजनों की स्मृति में अपनी उनकी याद के सम्मान में तरीकों की पहचान करेंगे हम अप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ ट्री एंड द नेचुरल ने ने रिसोर्सेज इन आवर लाइफ हमारे जीवन में पेड़ों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों की सराहना करें रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग ट्रेडिशनल नॉलेज टू मॉडर्न लाइफ आधुनिक जीवन में पारंपरिक ज्ञान को लागू करने के महत्व को पहचाने रिलेट वर्स टू सिचुएशंस इन यूज दैम इन कॉन्टेक्स्ट शब्दों को परिस्थितियों से जोड़ना और इन्हें संदर्भ में प्रयोग करना सीखेंगे यूज एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एंड क्वालिटी इन अप्रोप्रिएट मैनर हम एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी और एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सीखेंगे आइडेंटिफाई द एक्टिव एंड पैसिवाइसिस एंड रिलेट टू रियल लाइफ सिचुएशंस हम एक्टिव वॉइस और पैसे वॉइस सीखेंगे और उसे अपने रियल लाइफ के सिचुएशन में उसे रिलेट करेंगे राइट अ मैसेज हम मैसेज लिखेंगे ड्राफ्ट नोटिस भी बनाएंगे हम टू ट्वेंटी वन पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड थिंक मतलब पढ़ने से पहले सोचे हाउ डू यू फील वेन यू रीड अबाउट अ ट्रेजिडी इन अ न्यूज़ पेपर जब आप किसी समाचार पत्र में किसी त्रासदी के बारे में पढ़ते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं मतलब परेशानी हाउ वुड यू लाइक टू पे योर रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सॉल्स आप कैसे दिवंगत आत्माओं को सम्मान देना मतलब जो आपके ऐसे जो आप दुनिया से जा चुके हैं उनकी आत्माओं को सम्मान कैसे देना चाहेंगे वट डू यू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द मेमोरी ऑफ दोज हु हैव डाइड मरने वालों की याद में पेड़ लगाने के विचार के बारे में आप क्या सोचेंगे या क्या सोचते हैं हैव यू ऑब्जर्व द ट्रीज इन योर नेबरहुड क्या आपने अपने पड़ोस में पेड़ों को देखा है हैव यू एवर थाट अबाउट देयर यूजेस क्या आपने कभी इनके उपयोग के बारे में सोचा है द विलेज फार्मेसी इट वॉज ऑलरेडी सिक्स इन द इवनिंग शाम के छः बज चुके थे नीमा अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड एट्थ हैड नॉट इट रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल नीमा जो कि आठवीं क्लास की स्टूडेंट है अभी तक घर नहीं आई थी इनियामा हर फादर अ पेडियट्रिशियन एट द सिटी हॉस्पिटल हर मदर वेम्बू एट हर ग्रैंड पेरेंट्स हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वेर मेरी अ वेरी मच वरीड नीमा इंटर जस्ट देन, दैन विदरिंग इन हर हैंड कह रहे हैं कि इनियामा उसके पिता शहर के अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ उसकी माँ बेंबू और उसके दादाजी जो गांव से आए थे बहुत चिंतित थे तभी मीमा, मीमा ने नीमा ने हाथ में एक पौधा लेकर प्रवेश किया मतलब घर में आई ऑल सभी कहते हैं वॉट हैपन टू यू तुम्हारे साथ क्या हुआ वाई आर यू सो लेट फ्रॉम स्कूल तुम स्कूल से इतनी देर में क्यों आ रही हो नीमा इट वॉज अ टेयरफुल होमेज दैट वी पेड एट आवर स्कूल टू द नाइन्टी फोर चिल्ड्रेन हु डाइड अंडर द नम कहते कि थी कि हमने अपने स्कूल में कुंभकोनम में सबसे परिस्थितियों ट्रेजिडी एट स्कूल क्या है देखते हैं जी श्रीनिवासन इन कुंभ कुंभकोनम तो कुंभकोनम में जी श्रीनिवासन आ स्कूल इन कुंभकोनम तमिलनाडु इन

जिले में कुंभकोणम में श्री कृष्ण हाई स्कूल में कक्षाएं हमेशा की तरह चल रही थीं। इन द स्कूल किचन प्रिपरेशन वर ऑन टू कुक द मास नॉन मिल राइस सांबर अ साइड डिश एंड अ बॉयल्ड एग पर चाइल्ड कह रहे हैं कि स्कूल की रसोई में दोपहर के भोजन को पकाने की तैयारी चल रही थी चावल सांभर एक साइड और डिश और प्रति बच्चा मतलब एक उबलांडा एक उबलांडा एक बच्चे को और बाकी सारी डिश तैयार हो रही थी नो वन नोटिस अ स्मॉल फायर इन वन कॉर्नर ऑफ द किचन किसी ने नोटिस नहीं किया कि किचन के एक छोटे से कोने में आग लग रही थी बट स्ट्रॉन्ग वाइंड एक बहुत तेजी से हवा नॉर्मल इन द माउथ ऑफ आदि जुलाई अगस्त इन द स्टेट कहने लेकिन की लेकिन राज्य में आदि जुलाई अगस्त के महीने में एक तेज हवा सामान्य रूप से

कुछ ही देर में कमरे में कुछ ही देर कमरे में धुआं भर गया और बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़े देर वॉज नो अदर स्केप रूट्स एज द फ्लेम स्प्रेड आग की लपटें फैलते ही बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था एंड देन बर्निंग एच फेल सेवेंटी फाइव चिल्ड्रेन वर बर्न अ लाइफ ऑफ द अदर थर्टी हु सफर्ड सेवर्स बर्न्स एटीन डाइड इन द हॉस्पिटल तभी जलता हुआ जो धुआं था ये आग छप्पर पर गिर गया छप्पर गिर गया पचहत्तर बच्चे जिंदा जल गए गंभीर रूप से झुलसे बच्चे जो है तीस अट्ठारह अस्पताल में मौत हो गई उनकी फ्रंट लाइन कवर स्टोरी थर्टीन अगस्त टू थाउजेंड फोर जुलाई टू अगस्त थर्टीन टू थाउजेंड फोर फ्रंट लाइन कॉनेक्ट डॉट कॉम यहाँ पर न्यूज़पेपर का या जहां पर न्यूज है वहां पर वेबसाइट है ये कब कब पब्लिश हुए वो ये है वेम्बू कहती है इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट तो वेम्बू कहती है काफ़ी भयानक दुर्घटना थी ग्रैंड माँ कहती है नीमा हाउ डिड योर स्कूल चिल्ड्रेन पे होमेज तुम्हारी स्कूल के बच्चों ने कैसे प्रणाम किया नीमा कहती हैं ग्रैंड माँ वी हैव प्लांटेड 94 फोर नीम सैपलिंग इन आवर स्कूल कैंपस इन मेमोरी ऑफ द डिपार्ट डिपार्टेड सॉल्स दादी हमने दिवंगत आत्माओं मतलब जिनकी डेथ हो गई थी उनकी आत्माओं की याद में अपने स्कूल के कैंपस में परिसर में नीम के चौरान में पौधे लगाए हैं। चिल्ड्रेन लीवर इन द बर्ड हम पौधों में उन बच्चों के चित्र देखते हैं जिनके जीवन को से कली में डुबो दिया गया था मतलब जला दिया गया था एक तरह से जल गए थे आई अपने बगीचे में लगाए जाने के लिए एक पौधा घर लाया हूं, हूं। देखो यहाँ पर पौधा लगा रही है वेम्पू कहते हैं पार्ट ऑफ योर स्कूल यह आपके स्कूल की ओर से एक उपयुक्त इशारा है अच्छा इशारा है इनव्यामा मतलब उनके पापा कहते हैं यस आई एग्री बाई द वे बाई द वे नीमा डू यू नो दैट नीम हैज अ लॉट ऑफ मेडिकन मेडिकनल वैल्यूज हाँ मैं सहमत हूँ वैसे नीमा क्या आप जानते हैं कि नीम के बहुत सारे औषधि गुण हैं नीमा कहती है नो आई डोंट मतलब नहीं जानती आई वुड सर्टनली लाइक टू नो मैं निश्चित रूप से जानना चाहूँगी मुझे बताओ आप ग्रैंड माँ कहती हैं आई थिंक योर ग्रैंड पा विल बी द राइट पर्सन टू टेल योर अबाउट इट तो दादी कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपके दादाजी जो हैं इसके बारे में सही व्यक्ति होंगे मतलब वो सही से बता पाएंगे ही हैज़ लिव्ड इन द विलेज ऑल हीज लाइफ मतलब वो अपनी पूरी ज़िंदगी गांव में रहे हैं एंड ही न्यूज़ बेटर देन एनी बॉडी एल्स दैट इज द विलेज फार्मेसी कह रहे हैं कि वह जीवन भर गांव में रहे हैं और वह किसी और से बेहतर जानते हैं कि विलेज फार्मेसी है ये मतलब गांव की दवा है नीमा कहती हैं ग्रैंड पा डू टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द नीम तो दादा से पूछती हैं देखते हैं दादा क्या कहते हैं इन फैक्ट वी हैव ए साइंस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक और हमारे स्कूल में अगले हफ्ता एग्जीबिशन है साइंस का एग्जीबिशन है मेक बी आवर क्लास क्लाउड अपियर समथिंग ऑन द नीम मतलब क्या है हमारी कक्षा नीम कुछ तैयार कर सके इसके लिए तो ग्रैंड पा कहते हैं इट्स ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल द नीम ट्री अवर विलेज फार्मेसी दादाजी कहते हैं कि जो नीम है औषधि महज के बारे में बताएंगे वो है ना तो क्या बताते हैं सच है कि ग्रामीण नीम के पेड़ को अपना ग्राम फार्मेसी कहते हैं विलेज फार्मेसी कहते हैं टू बिगिन विद लुक एट माई टीज मतलब स्टार्ट करने के लिए मेरे दाँतों को देखो आई एम एटी मतलब मैं अस्सी साल का हूँ कैन यू बिलीव क्या तुम बिलीव कर सकती है करती हो दिस इज थैंक्स टू द नीम ट्विक्स दैट आई to टू क्लीन teeth टीथ एवरी मॉर्निंग लुक एट skin, स्किन स्टिल ग्लैमिशलेस एज a चाइल्ड्स क्या तुम यकीन करोगे यह नीम की टहनियों के लिए धन्यवाद है जिसका उपयोग मैं हर सुबह अपने दांत साफ करने के लिए करता हूँ मेरी त्वचा को देखो बच्चे की तरह बच्चे के रूप की तरह अभी भी कम दोष है, मतलब बच्चों की तरह ही यही है आगे चलते हैं थैंक्स अगेन टू द नीम पेस्ट दैट आई अप्लाई रेगुलरली नीम के पेस्ट के लिए फिर से धन्यवाद जो मैं नियमित रूप से लगाता हूँ आई एम हेल एंड हार्टी इवन एट 80 कह रहे हैं कि मैं अस्सी साल की उम्र में भी स्वस्थ और हार्दिक हूँ थैंक्स वंस अगेन टू द नीम जूस दैट आई ड्रिंक कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर से नीम के रस के पीने के लिए धन्यवाद देता हूँ इट प्यूरिफाइज द ब्लड एंड कर्स ऑल एलिमेंट्स कह रहे यु मतलब ब्लड को शुद्ध करता है और सभी रोगों को दूर करता है डू यू नो वट मोटिवेटेड यूर फादर टू बिकम ए डॉक्टर क्या तुम जानती हो कि आपको पिता जो डॉक्टर बने हैं किसने प्रेरित किया डॉक्टर बनने के लिए वेल ही यूज टू वॉच माई फादर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द नीम इट्स बार्क सीड्स एंड लीव्स ये कह रहे हैं कि ठीक है मेरे पिता के मेरे पिता को नीम के विभिन्न भागों से मतलब नीम के अलग अलग पार्ट से दवा बनाते हुए दवा तैयार करते हुए देखा था इसी मतलब क्या है इसी जो इसका जो बार्क था सीड था लीव्स था मतलब छाल बीज और पत्ते ठीक है उसी से तो दवा बनाते थे दैट क्रिएटेड एन इंस्ट इन मेडिसिन इससे या इसने दवा में रुचि पैदा की ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से परंपरागत रूप से इन in इंडिया भारत में द नीम हैज बीन यूज वाइडली ए मेडिसिन फॉर माई सेंचुरीज सॉरी मेनी सेंचुरीज कह रहे हैं कि भारत में नीम का व्यापक रूप से कई सदियों से एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता रहा है इट कैन फ्लाइट इनफ्लेमेशन हाइपर टेंशन एंड अल्सर्स ये कह रहे हैं मधुमेह मलेरिया और जो भी सॉरी मधुमेनी सूजन है ना फ्लाइट इनफ्लेशन मतलब सूजन हो गया हाइपर टेंशन मतलब रक्तचाप मतलब बीपी कह सकते हो अल्सर अल्सर का मतलब जो आपका आ, हाँ अल्सर की बीमारी होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं उससे सही हो सकते हैं इट कैन कॉम्बैट डायबिटीज एंड मलेरिया मतलब यह मलेरिया और मधुमेह से भी लड़ सकता है वॉयल्स रशेज एंड वाउंड्स डिसपीयर इन नो टाइम कह रहे फोड़े फुनसी घाव कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं यू यू नेम इट एंड द नीम कर्स इट कह रहे हैं कि आप इसे नाम दें और नीम इसे ठीक कर देता है मतलब कोई भी काम दो नीम तुरंत सही कर देगा इट इज मेनी एलिमेंट्स कह रहे हैं कि यह कई की रामबाड़ औषधि है इवन एज अर्ली ऑफ फोर थाउजेंड फोर्टी फाइव हंड्रेड मतलब फोर थाउजेंड से लेकर फोर्टी फाइव हंड्रेड तक मतलब ये सब तक वेरियस पार्ट ऑफ द नीम ट्री वर यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स बाय ईस्ट इंडियन हड़प्पांस कह रहे हैं कि चौ चार हजार से लेकर पैंतालीस सौ साल पहले भी पूर्वी भारतीय हड़प्पावासी जो थे उनके द्वारा नीम के पेड़ों से विभिन्न भागों का सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक के लिए जो सामान बनते हैं उसको हम हिंदी में सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं और दवाइयों का भी उपयोग किया जाता था, था। एविडेंस ऑफ दीज यूजेज एग्जिस्ट इन द रिमेन्स एक्सकवेक्टेड इन द हड़प्पा साइट कह रहे हैं कि हड़प्पा स्थल पर खुदाई में मिले अवशेषों में इन उपयोगों के साक्ष मौजूद हैं मतलब वहाँ पर हमने ऐसे सिम्टम्स देखे हैं ऐसे प्रूफ देखे हैं वहाँ पर दीज डेज इवन टूथपेस्ट सोप एंड शैम्पू आर मेड फ्रॉम द नीम कह रहे हैं कि आजकल नीम के टूथपेस्ट बनते हैं साबुन और शैम्पू भी बनाए जाते हैं एंड हेयर इज हेयर आई मस्ट टेल यू समबाउट महात्मा गांधी और यहां मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं द प्रेयर मीटिंग एट द साबरमती आश्रम कंडक्टेड अंडर अ नीम ट्री एंड नीम लीफ चटनी वॉज अ पार्ट ऑफ हिस्स एवरी डे डाइट वाह क्या बात है पढ़ते हैं साबरमती आश्रम में एक नीम के पेड़ के नीचे प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी ठीक है और नीम के पत्ते की चटनी उनके दैनिक जीव आहार का हिस्सा था मतलब जो डेली खाते थे वहां पर उस वो नीम की चटनी भी खाते थे एंड नीमा इफ यू थिंक दैट द नीम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अलॉन यू आर मिस्टेकन कह रहे हैं कि और नीमा अगर आपको लगता है कि नीम में ही औषधि गुड़ है तो आप गलत हैं क्या कहते हैं इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल मतलब मिट्टी की जो फर्टिलिटी रेट है उसको भी बढ़ाते हैं मिट्टी मतलब और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है अगर आप नीम लगाते हो दस इट इज इको फ्रेंडली इस तरह से ये पर्यावरण के अनुकूल है इट इज़ गुड इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब ये जो कीट होते हैं उसको भगा देते हैं रिपेल कर देते हैं इन फैक्ट वास्तव में रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट इट्स केमिकल मेकअप is सच that इट is resistant to मोर than टू हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स कह रहे हैं कि रिसर्च में यह साबित किया गया कि इसका रासायनिक श्रृंगार जो ऐसा है कि 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के कीड़ों के लिए प्रतिरोधी मतलब उसको भगा देता है मार देता है इट हैज़ ऑल्सो प्रूव टू बी अ गुड पेस्टिसाइड्स ये अच्छा कीटनाशक भी है कीटनाशक मतलब जो मिट्टी में डालते हैं तो जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं वो भी है ये नीम इज दस एग्रो फ्रेंडली टू तो नीम जो है किसानों के लिए भी अच्छा है इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया यह फसलों को हानिकारक कीड़ों वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है द लीटर ऑफ द ऑफ इट्स फॉलन लीव इज रिच इन ऑर्गेनिक कॉन्टेंट एंड हेंथ सर्व एज गुड मैन्योर इसके गिरे हुए पत्तों को या पत्तों का कचरा जैविक सामग्री से भरपूर होता है इसलिए यह अच्छी खाद का काम करता है इससे हम खाद भी बनाते हैं नीम इज ऑल्सो एन आइडियल सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर कारपेंट्री फॉर इट्स वुड इज़ टर्मिनेट रेजिस्टेंस कहने की जो बड़ी बड़ई वाला काम होता है कारपेंट्री वाला काम होता है लकड़ी का एक आदर्श स्रोत भी है क्योंकि इसकी लकड़ी दीमक प्रतिरोधी है मतलब इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगता बाकी बहुत सारे ऐसी लकड़ियाँ होती है जिसमें दीमक लग जाता है यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट ड्यूरिंग द हॉट समर the द under the द नीम ट्रीज 10 डिग्री सेल्सियस लेस than द सराउंडिंग temperature. कह रहे हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी गर्मी के महीनों में नीम के पेड़ के नीचे तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है मतलब अगर ये नीम का पेड़ है तो यहाँ पर मान लो 20 डिग्री है तो बाहर जो है वो 30 डिग्री होगा 10 डिग्री का डिफरेंस होता है इनफैक्ट योर एयर कंडीशनर मतलब जो आपका ए सी है मे नॉट मैच द हेल्दी कूलिंग इफेक्ट फ्रॉम द नीम मतलब नीम के से नीम के स्वस्थ शीतकालन प्रभाव से मेल नहीं खा सकते हैं. मतलब नीम जितना अच्छे से कूलिंग करता है उतने अच्छे से आपका एसी नहीं कर सकता दस इट इज़ अ फ्री एयर कूलर सर्विस इस तरह से ये फ्री एयर कूलर सर्विस भी है दीज एवरग्रीन पैरानियल ट्रीज कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल ये कह रहे हैं कि ये सदाबहार है बारह मासिक पेड़ किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकते हैं दे ग्रो वेरी फास्ट मतलब ये बहुत तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं करते हैं दे कैन रीच ए हाइट ऑफ थर्टी फीट इन फाइव ईयरस पाँच साल में तीस फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं एंड इफ दे स्केप योर एक्स दे है ना दे कैन सरवाइव फॉर द फॉर द इवन टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ईयर्स इज दैट ऑल यू वॉन्ट टू नो और ये कह रहे हैं कि अगर वे कुल्हाड़ी से बचा लेते हैं कुल्हाड़ी उसमें ना मारो तो वो दो सौ से तीन सौ साल तक जीवित भी रह सकते हैं क्या आप बस इतना ही जानना चाहती हो या कुछ और तो नीमा कहती ओ ग्रैंड पा ओ दादा हाउ ब्लेस्ड आई एम टू बी नेम्ड नीमा नीमा नाम पाकर मैं कितना धन्य हूँ मतलब नीम का पेड़ से नीमा बन गया तो लड़की कहती है पेम्बू नो वंडर द नीम इज नोन एज द वंडर ट्री एंड यू आर ए वंडर गर्ल टू कोई आशा नहीं कि नीम को आश्चर्य का पेड़ का यदि है और आप मतलब तुम एक अद्भुत लड़की हो अब let us अंडरस्टैंड द टेक्स्ट कह रहे हैं कि इट वॉज ऑलरेडी सिक्स से लेकर पार्ट ऑफ योर स्कूल तक हम पढ़ेंगे तो ये हिंदी लिखा हुआ है इंग्लिश भी लिखा हुआ है दोनों मतलब इंग्लिश में तो आपकी बुक का ही है फिर उसके बाद हिंदी लिखा है वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप इसे पढ़िए और हिंदी में समझिए अगर मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और वैसे भी मैं इन सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पहले ही ठीक है आगे चलते हैं हम इंटरेस्ट क्वेश्चन ट्वेंटी करना है पहला क्या है नीमा वॉज स्टडिंग इन द स्टैंडर्ड किस क्लास में पढ़ती थी वो एट्स क्लास में पढ़ती थी ठीक है यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है हर फादर वॉज अ बाई प्रोफेशन क्या थे वो बच्चों के डॉक्टर थे ना डॉक्टर थे तो यहाँ पर डॉक्टर लिख सकते हो नीमा केम होम विद अ इन हर्ट क्या लेकर आई थी वो नीम का सैपलिंग लेकर आई थी ठीक है द फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस इन तमिलनाडु कहाँ पर हुआ था हुआ था कुम्भकन्नम में डी नीमास उसके बाद लिखा है वेयर विजिटिंग हर फैमिली फ्रॉम द विलेज कहाँ पर ग्रैंडफादर सी तो आए थे गांव से ठीक है सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस फॉलोइंग सेंटेंस विद अमोंग द फ्रॉम अमंग द ऑप्शन बिलो विलोज अब यहाँ पर जो भी बातें हैं उसका सही बताओ क्या है पहला है द कंट्री इज पेइंग होमेज टू द डेड सॉलिडरी टूडे आज जो देश है आज देश शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है तो क्या करते हैं रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए ये ऑप्शन सही है इसका बी है समटाइम्स वी हैव टू फेस सम ट्रेजिक सरकम चांसेस इन लाइफ कभी कभी हमें जीवन में कुछ दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ठीक है तो इसका क्या होगा सैड इवेंट्स कहते हैं इसे हम सी पार्ट है हर प्लान्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हर आवर ऑन वर्ड निब्ड इन द बर्ड वेन द बैंक एज वेल एज हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव रिफ्यूज टू गिव हर लोन आप मतलब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आपकी सफल मतलब जो योजना है वो विफल हो गई सफल नहीं हुई जब बैंक और आपके साथ के जो दो, दोस्त थे रिश्तेदार थे उन्होंने लोन देने से मना कर दिया तो ये क्या है डिस्ट्रॉयड एट, एट एन अर्ली स्टेज स्टार्टिंग में ही आपका ये जो प्लान था वो डेड हो गया चलो अब डी पार्ट है वेन अ पर्सन डाइज जब एक पर्सन डाई करता मरता है वी प्रे फॉर द पीस ऑफ द डिपार्टेड सोल तो हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या अ पर्सन हु हैज डाइड तो बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन है आगे चलते हैं थर्ड है वट यू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ पेइंग होम इज टू लव प्लाटिंग बाई प्लांटिंग अ ट्री इन देयर मेमरी वुड यू प्लांट अ ट्री इन मेमरी ऑफ अ लव्ड वन बाई आंसर इन थर्टी वर्ड्स अबाउट थर्टी वर्ड्स थर्टी वर्स में आंसर देना क्या क्वेश्चन है अपनों की याद में एक पेड़ लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि दे। देने के विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं क्या आप किसी परिजन की याद में एक पेड़ लगाएंगे क्यों लगभग तीस शब्दों में इसका बताना है तो आंसर हाँ लगाएंगे इट इज़ अ गुड आइडिया एक अच्छा विचार है वेन वी ग्रो अ ट्री इन समवंस मेमोरी जब हम किसी की याद में पेड़ लगाते हैं इट ऑलवेज रिमाइंड्स अस ऑफ दैट पर्सन ठीक है तो वे हमेशा उस शख्स की याद दिलाते हैं इट ऑल्सो हैज इन ग्रोइंग मोरट्रीज विच इज़ यूजफुल फॉर अस एंड फॉर द इन्वायरमेंट तो क्या होता है ये अधिक से अधिक पेड़ लगाने उगाने में भी मदद करते हैं जो हमारे और पर्यावरण के लिए उपयोगी है और हमारे जो पूर्वज हैं जो उनकी भी याद आती है हमें चलो डू यू नो पढ़ते हैं इन अगस्त टू थाउजेंड फाइव कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड स्मृतिवान फॉर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ऑफ मेमरीज वर्ल्ड स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन मेमोरी ऑफ अवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी द मोटो ऑफ प्रोजेक्ट इज टू बी क्या था प्लांट अ ट्री ए वेमोरी यू विश टू चेरिश एंड हेल्प अस ग्रो इट कह रहे हैं कि अगर 2005 में जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी तो उनकी याद में हिमाचल प्रदेश में स्मृतिवान यादों के लिए एक जंगल नामक संरक्षण परियोजना शुरू किया था ठीक है इस परियोजना का जो आदर्श है वो क्या है एक पेड़ को उस स्मृति के लिए लगाओ जिससे आप संजोना सनौज, चाहते हैं मतलब संजोना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहते हैं बचाना चाहते हैं इसे विकसित करने में हमारी मदद करें मैनी पीपल फ्रॉम शिमला शिमला एंड सॉरी शिमला यहाँ पर शिमला होगा ठीक है बहुत सारे लोग शिमला से और टूरिस्ट विजिटिंग शिमला हैव डोनेटेड सैपलिंग टू तो स्मृति वन इन फॉन्ड मेमोरी ऑफ देयर डिपार्ट लव्ड वंस तो शिमला में कई लोग और शिमला में आने वाले जो पर्यटक थे अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में वो वहाँ पर पौधे दान किए थे द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांटिंग एज मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज एज पॉसिबल द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेवलपमेंट एंड द इंक्रीज ऑफ ग्रीन कवर ऑफ शिमला आर द मेन आइडियाज ऑन विच स्मृति वन इज बेस्ड कह रहे हैं अधिक से अधिक किस्मों के पेड़ लगाकर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कह सकते हो आप यहां पर का संरक्षण कंजर्वेशन मतलब बचाना विकास के लोगों की भागीदारी और भागीदारी मतलब उनकी भागीदारी और शिमला में हरित आवरण की वृद्धि मुख्य विचार है मतलब वहाँ पर पूरा हरियाली छा जाए यह उनका मुख्य विचार है मेन आइडिया है जिन पर स्मृतिवन आधारित है मतलब जिनको याद में किया गया है लेटेस्ट डू ट्वेंटी वन पॉइंट वन इसमें कह रहे हैं कि थर्टीएथ जनवरी इज रिगार्डेड एट मार्ट डे इन आवर कंट्री तीस जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है ऑन दिस इस डे में आवर कंट्री पेज होमेश टू महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन एंड मदर सॉरी अदर मार्ट्रीज हुईड फॉर द कंट्री कह रहे हैं कि इस दिन हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो देश के लिए शहीद हुए A टू minute silence is observed throughout the country at 11 a.m. Mention some other ways in which people remember their loved ones. कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे पूरे देश में दो मिनट का मौन रखा जाता है कुछ अन्य तरीकों का उल्लेख करें जिससे लोग अपने परिजन को याद करते हैं अब इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना होगा अगर मेरे अकॉर्डिंग देखना है या इसका आंसर चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इसका आंसर देख सकते हैं

दादा दादी को दिखाती है नीमा के दादा दादी की क्या प्रतिक्रिया है तो नी... क्या प्रतिक्रिया था हमने देख लिया था ठीक है एग्जीबिशन था वो बातें कर रही थी तो फिर दादी ने बोला था कि दादा से देख लो ये वही लिखा है इंग्लिश में इसकी हिंदी भी है वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार देख लें हम आगे चलते हैं वीडियो को देख लिया हो तो ये आप देखो इंटर क्वेश्चन ट्वेंटी है पहला है कि आपको वन और टू वर्ड्स में आंसर बताने हैं तो पहला हाउ डिड हाउ ओल्ड वीमर कितने साल के थे वो अट्ठासी साल के थे एट्टी एट ईयरस के थे वॉज अबाउट टू है वाला था साइंस एग्जिबिशन होने वाला था हाउ डिड नीमाज ग्रैंड फादर ब्रश हिज टीथ तो कैसे अपनी दात साफ करते थे तो नीम के ट्विक से वट डिड नीम ग्रैंड फादर अप्लाई ऑन हिस्स फेस क्या लगाते थे नीम का पेस्ट लगाते थे सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड नीमा फादर गेट मोटिवेटेड टू बिकम ए डॉक्टर तो नीमा के जो पापा थे वो किस तरह से मोटिवेट हुए एक डॉक्टर बनने के लिए आंसर है ही सॉ हिज ग्रैंड फादर प्रिपेरिंग मेडिसिन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ नीम ट्री दिस मेड इम इंटरेस्टेड इन मेडिसिन उसके अपने दादा को नीम के पेड़ में विभिन्न भागों से मतलब नीम की पत्तियाँ नीम के जड़ नीम के छाले नीम के बीज उसे दवाएं बनाते हुए देखा था इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया थर्ड क्वेश्चन है नीम ट्री इज ऑफ यूजफुल क्वालिटीज नीम का पेड़ जो है उपयोगी गुणों का भंडार है एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज टू क्योर सो मेनी डिजीजे इसके हर हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है और इतने सारे रोगों का इलाज भी किया जा सकता है चौथा क्वेश्चन इन इंडिया मेडिसिन हैव ट्रेडिशनली बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स हर्ब्स स्पीसीज एंड एवरीडे किचन इंग्रेडिएंट्स इंडिया में जो भारत में दवाएं जो हैं परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली जड़ी बूटी हो गया पेड़ पौधे मसाले रोजमर्रा की रसोई की सामग्री से तैयार की जाती है जैसे बीमारी हो रही है अभी कोरोना चल रहा था तो क्या कर रहे थे लोग जिसके मसाले से काढ़ा बना रहे थे पी रहे थे तो ये देसी है है ना कहते हैं ना देसी बना के पी लो तो वो यही बातें हैं ठीक है अवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स नो हाउ टू प्रिपेयर सम ऑफ दीज मेडिसिन एट होम हमारे दादा आ, मतलब मम्मी और दादी जानती है कि कैसे घर में दवाइयाँ बनानी चाहिए दे ऑफिन यूज सच सच होम रेमिडीज टू क्योर स्मॉल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एलिमेंट्स वे जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं अक्सर है ना बीमारियों को ठीक करने के लिए घरेलू उपचार का उपयोग करते हैं ठीक है तो आंसर क्या है होम रेमेडीज है तो पहला इसका पार्ट है हल्दी फीवर हल्दी करती हैं हल्दी अजवाइन लॉन्ग लॉन्ग है ना तो हल्दी किस लिए यूज़ करती हैं फीवर के लिए वीकनेस इवन गुड इन कफ एंड कोल्ड कमजोरी के लिए कफ एंड कोल्ड के लिए हल्दी जो होता है यहाँ पर जल्दी हो गया गलती से हल्दी है ये हल्दी इज़ गुड इन क्योरिंग इंटरनल इंजरीज जब चोट लगता है आपको तब भी हल्दी हल्दी क्या करते हैं दूध में डाल के या उस चोट पर लगा कर भी यूज़ करते हैं हल्दी वेरी इजिली अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट ऑल मार्केट्स आराम से मिल जाता है मार्केट में अजवाइन क्या करता है ऑल्सो वेरी गुड इन्ग्रीडियंट स्पेशली ऑफ स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स अजवाइन इज ऑल्सो वेरी इजिली अवेलेबल इन द मार्केट अजवाइन एक बहुत अच्छी सामग्री है विशेष रूप से पेट संबंधी बीमारियों के लिए होता है पेट में कोई परेशानी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अजवाइन जो आराम से बाजार में मिल जाता है लौंग की बात करते हैं लौंग इज अ फॉर्म ऑफ गर्म मसाला गर्म मसाला के फॉर्म में लौंग हम जानते हैं विच इज वेरी यूजफुल फॉर टूथ है ना जो दांत में दर्द होता है उसके लिए मेन और बहुत सारी बीमारियों के लिए लौंग जो है वो भी हर जगह आराम से मिल जाता है फाइंड आउट एट लीस्ट टू सच होम रेमिडीज एंड रिकॉर्ड इन द टेबल बिलो कह रहे हैं कि इस तरह से दो होम रेमेडीज और निकालो और टेबल में दिखाओ वन एग्जाम्पल जो है आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है तो यहाँ पर देखो हनी जिंजर जूस जो है वो कफ एंड कोल्ड के लिए होता है तो कह रहे हैं कि विदर्ट रैड ट्राई किया है या नहीं किया आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं इन्होंने बोला कि हमने ट्राई किया है आप भी बता सकते हो उसके बाद टर्मरिक किस लिए स्किन एलर्जी के लिए आपने यूज़ किया मैंने भी यूज़ किया है गार्लिक टूथपेन के लिए और हमने यूज़ किया आपने भी यूज़ किया है आगे चलते हैं डू यू नो अलॉट ऑफ डिजीज बीन मैंशन इन दिस यूनिट ऑफ द लेसन है ना बहुत सारी डिजीज इस यूनिट में मैंशन की गई हैं डू यू नो दैट मेनी ऑफ डिजीजेज हैव बिकम वेरी कॉमन दिस डेज ड्यू टू मॉडर्न लाइफ स्टाइल आज की जो दिनचर्या है ना इसमें ये सारी जो बीमारियाँ हमने पढ़ी हैं बहुत कॉमन हो गई हैं सभी को हो रही हैं दैट इज वेरी डिजीज लाइक वाई डिजीज लाइक हाइपर टेंशन डायबिटीज हार्ट रिलेटेड प्रोग्राम प्रॉब्लम्स एंड कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीजेज ये कह रहे हैं कि जो कि है हाइपर टेंशन हो गया है ना डायबिटीज हो गया और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ये जो हमारी दिनचर्या की बीमारी बन गई है आजकल आम बात है सम अदर डिजीज लाइक चिकन पॉक्स मलेरिया जॉन्डिस एंड मिसेस आर इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेइंग अटेंशन टू प्रॉपर हाइजीन वैक्सीनेशन एंड टाइमली केयर कह रहे कुछ बीमारियां जैसे चेचक मलेरिया पीलिया खसरा संक्रामक रोग हैं जिन्हें उचित स्वच्छता मतलब सफाई से टीकाकरण करके समय पर देखभाल करके ध्यान देकर रोका जा सकता है फिर कह रहे हैं लेटेस्ट डू ट्वेंटी वन पॉइंट टू द लेसन सेज दीज डेज इवन टूथपेस्ट सोप एंड शैम्पू आर मेड फ्रॉम द नीम कह रहे हैं कि कहते हैं कि आजकल नीम से टूथपेस्ट साबुन और शैम्पू भी बनते हैं लुक अराउंड इन द मार्केट एंड ट्राई टू फाइंड फ्यू प्रोडक्ट्स इन विच नीम इज यूज आप मार्केट में पता करो कि नेम से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं नेम थ्री सच प्रोडक्ट्स एंड टूथपेस्ट पिक्चर्स आप वहां से से देखो कौन से मिल रहे हैं उसके पिक्चर बनाओ पेपर शीट पर से चिपका लो पेस्ट कर लो थर्ड पार्ट है ट्रेडिशनल इन इंडिया से लेकर यू आर गर्ल वंड तक तो इसकी हिंदी है ना और मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार देख ले क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मतलब एक बार आप भी पढ़ लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आगे चलते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 21.3 है कह रहे हैं कि ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़िए ट्रू फॉल्स यहाँ पर लिखा है कर लीजिए बहुत आसान है जितना आप सोच नहीं सकते उतना आसान है ये हिंदी भी लिखिए आप आसानी से है पढ़ सकते हो सेकंड क्वेश्चन है दिस लेसन सीज ये लेसन कहता है कि नीम ट्री एंड इट्स लीव्स आर इफेक्टिव एज एन इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स पाठ कहता है कि नीम का जो पेड़ है कीटनाशक और उर्वरक फर्टिलाईज फर्टिलाइजर भी है मतलब मिट्टी की उर्वरता को फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है उपज को बढ़ाता है वाई इज द इम्पोर्टेंट वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट ये इम्पोर्टेंट क्यों है वाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स एज इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आंसर इन अराउंड फिफ्टी वर्ड्स कह रहे हैं आप क्या सोचते हैं कि पौधे पर आधारित उत्पादों जो भी प्रोडक्ट बन रहा है नीम पे या पौधों से कीटनाशक और उर्वरकों के रूप में उपयोग करना महत्वपूर्ण है तो आप पचास वर्ड में पचास शब्दों में बताइए आंसर यहाँ पर है केमिकल बे फर्टिलाइजर जो है लीव ट्रेसेज आर ऑफ हार्मफुल सब्सटांसेज ऑन द फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स दैट वी ईट कह रहे रासायनिक आधारित रासायनिक के आधार पर मतलब केमिकल डालकर जो भी चीज़ हम बनाते हैं या जो हम खाते हैं जैसे फल सब्जियाँ आजकल क्या डालते हैं फलों में जो पक जाता है तुरंत आम खाते हो आम में क्या डालते हैं यूरिया डालते हैं इस तरह से पपीता पपीता में क्या यूरिया डाल के तुरंत पका देते हैं है ना पक जाता है अगले दिन सुबह पक जाता है बताओ इतना खतरनाक होता है सब्जियों में भी यही करते हैं फसलों पर भी हानिकारक पदार्थों के निशान छोड़ते हैं है ना मतलब डालते हैं तो क्या होता है इससे दे हैव वेरी लिटल और ऑन साइड इफेक्ट्स तो इससे साइड इफेक्ट्स होता है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड इनसेक्टीसाइड मेड फ्रॉम नीम आर देर फॉर सेफ फॉर अस टू यूज ये कह रहे हैं इसलिए नीम से बने उर्वरक कीटनाशक और कीटनाशक हमारे उपयोग के लिए सुरक्षित हैं आप सोचो क्या हो सकता है थर्ड क्वेश्चन नीमा says, नीमा सेज कहती हाउ ब्लेस्ड आई एम टू बी नेम्ड आफ्टर द नीम ट्री वाई डू यू थिंक नीमा सेट दूस तो नीमा ने क्या कह, नीमा ने क्या कहा था कि मैं कितनी धनी हूँ कितनी धन्य हूँ कि मेरा ना नीम के पेड़ से नाम पर पड़ा मतलब नीम का पेड़ जो है उसी नाम पर मेरा भी नाम पड़ा तो आपको क्या लगता है नीमा ने ऐसा क्यों कहा नीमाज नेम कम फ्रॉम द वर्ड नीम विच इज़ द नेम ऑफ द ट्री विद वंडरफुल क्वालिटीज है ना आप समझ रहे गे दिस क्वालिटीज ऑफ द नीम ट्री मेक इट वेरी यूजफुल हेल्थी एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस नीमा थिंक्स दैट शी इज फॉर्चुनेट दैट हर नीम इज सिमिलर टू दिस वरफुल ट्री कहते हैं कि जो नीम का पेड़ है वो अद्भुत गुड़ों वाला है वहाँ से नाम लेकर मेरा नाम रखा गया है तो वो खुश हो गई और आगे पढ़ते हैं नीम के पेड़ के ये गुड़ इसे हम सभी के लिए बेहद उपयोगी सेहतमंद फायदेमंद बनाते हैं नीमा सोचती है कि ये भाग्यशाली है वह और वह कितना अद्भुत पेड़ के समान है लेटेस्ट टॉक ट्वेंटी वन पॉइंट वन में देखते हैं अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वॉन्ट टू कट डाउन सम लार्ज एंड ओल्ड ट्रीज फ्रॉम द पर्पज ऑफ सेटिंग अब अ फैक्ट्री आउटसाइड अवर विलेज मतलब आपके विलेज के आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ है और बड़े बड़े पेड़ों को काट रही है एक फैक्ट्री बनाने के लिए द विलेज पंचायत इज हैजेस्ट अन साइड फ्रॉम द फैक्ट्री विच हैज नो ट्रीज तो जो पंचायत के लोग थे उन्होंने वो खुश नहीं थे और प्रपोजल को सजेस्ट करें कि यहाँ से कहीं और लेकर जाओ जहाँ पर पेड़ ना हो एज ए मेम्बर ऑफ द विलेज पंचायत डिलीवर ट्रीज इन our नेबरहुड इन द पंचायत मीटिंग टू कंसीव द विलेज पीपल अबाउट वाई द ट्रीज शुड बी सेव्ड डेवलप योर टॉक विद योर विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि सदस्यों की बैठक हमारी मतलब सदस्यों की जो बैठक होगी पंचायत की बैठक में हमारे पड़ोस में पेड़ बचाओ एक भाषण देते हो मतलब उसे भाषण देना ताकि गांव के लोगों को ये समझा सके कि पेड़ों को बचाया क्यों जाना चाहिए मतलब कुछ पॉइंट्स आप बताओगे सामने लेक्चर दोगे स्पीच दोगे ताकि लोग जागरूक हों और इसके लिए प्रोटेस्ट करें और ये जो साइट है यहाँ से हट जाए तो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपको दिया हुआ है कह रहे नेम्स ऑफ द ट्री पेड़ों के नाम एज ऑफ द ट्री मतलब पेड़ों के नाम लिख लो आप और कितने साल से पेड़ यहाँ पर हैं वो भी लिख लो स्पेशल क्वालिटीज ऑफ ट्री मतलब जितने पेड़ हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं हाउ लिटिल रिसोर्सेज और एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड ग्रो द ट्रीज पेड़ों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए कितने कम संसाधनों है ना या प्रयासों की हो सकती है मतलब आपने इतने कम संसाधन लगाए है ना कम में इतना ज़्यादा अच्छा पेड़ हो गया इतने फ़ायदे हैं ये सब गिनाने के लिए सारी बातें बताई जा रही हैं आप भी समझ रहे हो गे पार्ट्स ऑफ दिस ट्रीज दैट आर यूजफुल टू अस इनकी जो पेड़ के हिस्से हैं वो किस लिए उपयोगी हैं हमारे किस काम के लिए हैं वो भी आपको बताना है अदर बेनिफिट ऑफ कीपिंग द ट्रीज पेड़ को जो अन्य लाभ है वो भी बताना आप नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ और इफेक्ट्स ऑफ कटिंग द ट्रीज पेड़ काटने के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे उससे क्या क्या परेशानियां होंगी ये भी आपको करना है बहुत ट्रीज एंड द फैक्ट्री कैन पेड़ और कारखाना दोनों एक साथ रह सकते हैं ऐसा पॉसिबल है तो ये सारे पॉइंट्स आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं आपको तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग या एन आई एस की वेबसाइट है हमारी एनआईएस एडमिशन क्लासेज डॉट कॉम वहां पर जाकर इसका आंसर देख सकते हो आगे चलते हैं इंडिया uh, in मतलब क्रॉसवर्ड दिया हुआ है आपको आठ जो नॉर्मल पेड़ हैं जो आप इंडिया में देखते हो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ट्री ऑलरेडी बीन फिल्ड इन यू पहला जो है वो आपके लिए पहले से भरा हुआ है कह रहे हैं कि समूज आर ऑल्सो टू बी टू हेल्प यू इन द फाइंडिंग आउट द नेम ऑफ ईस्ट ट्री मतलब सभी के नेम uh, जो आपको है प्रत्येक का जो नाम है सभी का जानने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सुराग भी दिए गए हैं ठीक है क्लू दिए गए हैं तो पहला एम है फिर इसके बारे में बताया गया कि दिस इज ट्री ऑन विच आई डिलीसियस येलो समर फ्रूट्स अब आप समझ गए होंगे कौन से पेड़ है एम से मैंगो होता है ठीक है तो ये पहला एम हो गया जे से हो गया पी से हो गया ये भी पी से है इसके बारे में यहां पर डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने और उसकी हिंदी मैंने ट्रांसलेट करके दी है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए इसको पढ़िए अच्छे से फिर आगे चलिए ठीक है ये भी हो अब इसका यहाँ पर मैंने कर रखा है ठीक है तो आप यहां वीडियो से देखना पॉज करके यहां पॉज करके देखना फिर ये आंसर करना ठीक है या तो आप इसको इसको अपने कॉपी में नोट कर लो फिर ये सारे पॉइंट्स से आप उसे बनाओ फिर इस आंसर से मैच कर लो ठीक है आगे चलते हैं हम लेटेस्ट ग्रामर अब हम ग्रामर पढ़ते हैं लर्न ग्रामर कह रहे हैं कि एन एजेक्टिव सॉरी एक्टिव वाइस एंड पैसिव पैसि हमें पढ़ना है पहला अनिता ट्री अनिता ने एक पेड़ लगाया दिस सेंटेंस इज इन द एक्टिव वाइस ये जो सेंटेंस है एक्टिव वाइस में है इन द एक्टिव वाइज द डोर ऑफ एन ऑक्शन एक्शन इज प्रोमिनेंट एंड important इन द सेक्शन Anita. द door ऑफ द एक्शन planted इज इंपॉर्टेंट मतलब क्या है यह सक्रिय आवाज में है एक्टिव वॉइस में है सक्रिय मतलब एक्टिव वॉइस में है, जो भी बातें कहते हैं प्रमुख होता है महत्वपूर्ण होता है फिर कह रही इस वाक में अनीता जो है क्रिया या कर्ता महत्वपूर्ण है मतलब जो भी काम कर रही है वो महत्वपूर्ण है क्या है अभी हम धीरे धीरे समझेंगे टेंस कैन बी रिटेन इन द फॉलोइंग एज इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं देखते हैं हम ट्री वॉज प्लांटेड बाई अनिता अब यहां पर आप देख रहे हो क्या देख रहे हो आपको यहां पर लिख देता हूं सब्जेक्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ग होता है मेन वर्ग होता है उसके बाद प्रिपोजिशन होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है अब अगर हम ये कहेंगे ये हमारा एक्टिव वाइस है तो पैसी वाइस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और मेन वर्ब जो है ना यहाँ पर मेन वर्ब का हो जाता है हमारा थर्ड फॉर्म बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पर लगभग सेम रहेंगी सेम तो नहीं रहेंगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है उसका रूल अलग से वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा ठीक है उसके बाद प्रीपोजिशन तो रहेगा ही सेम वही तो आपने देख लिया यहाँ पर अनिता सब्जेक्ट है अब यहाँ पर अनिता क्या हो गई ऑब्जेक्ट और बाई लगा के ऑब्जेक्ट को लिखते हैं मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था अब जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो बाई लगा कर करेंगे हम और वर्ब में प्लांटेड था तो प्लांटेड हो गया हमारा ठीक है तो इसके रूल है वो भी मैं रूल लिखवा देता हूँ आपको चलो द अब सेंटेंस इन दैसीवाइस इज इन दैसीवाइस बिकॉज हे आर द एक्शन प्लांटिंग एंड द अदर ऑब्जेक्ट द ट्री आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट ठीक है डॉट द पर्सन अनीता तो अगर ये आपको थ्योरी नहीं समझ मा रही तो कोई चक्कर नहीं आपको मेन रूल याद होना चाहिए एक्टिव एक्टिवाइज से पैसिव पैसीवाइज में कन्वर्ट करने का जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अनिता प्लांटेड अ ट्री एक्टिव पैसिव पैसीवाइज में क्या हो गया अ ट्री वॉज प्लांटेड बाई अनिता लेटेस्ट लुक द अनदर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बारे में देखते हैं हम तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेज दिया 94 है वी हैव प्लान्टी फोर सैपलिंग्स इन आवर स्कूल्स ये एक्टिव एक्टिवाइज है अब में क्या हो जाएगा हैव हैव अब देखो है. फिर वही बातें कर रहे हैं जो कि इसका कोई फायदा नहीं है आपको मैं अभी आपको लिखकर दिखा रहा हूं कि इसके रूल्स क्या हैं ठीक है लेटेस्ट स्टडी फॉलोइंग टिप अब यहां पर आपको चेंजिंग के रूल्स दिए हैं आगे देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में भी ग्रो है तो क्या हो गया आर बन गया मतलब एक्टिव में ग्रो से क्या हो जाएगा आर ग्रोन आर से आर बीइंग हो गया इसके रूल्स जो है रूल्स अगर दिए हैं तो ठीक है नहीं तो मैं आपको इसका रूल लिखवा देता हूँ ठीक है चलो मैं इसका रूल लिखवाता हूँ आपको हाँ तो यहाँ पर मैंने रूल लिख दिए हैं देखो है एक्टिव का रूल है और पैसिव वाइस का रूल है अगर आपने टेंस पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पर रूल समझाता हूँ देखो टेंस होते हैं बारह पहले तो तीन होते हैं प्रेजेंट ठीक है पास्ट उसके बाद फ्यूचर फिर इन सभी के पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं सिंपल सिंपल को हम इंडिफिनिट कहते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये चार जो हैं हमारे प्रेजेंट की हो गए अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या पहचान है तो जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो जैसे आपने बोला कि वह पढ़ता है तो ता है बोला ना तो ये प्रेजेंट सिंपल है वह जाते हैं तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है वह पढ़ती है तब भी प्रेजेंट सिंपल है मतलब इनडिफिनिट है अब अगर कोई काम हो रहा है तो ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस है अगर चुका है चुकी है आ जाए तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट ये सारे वर्ड अगर लास्ट में आते हैं तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब अगर रहा है रही आए तो हमने क्या पढ़ा है कंटिन्यूअस है ना अब रहा रही के साथ अगर समय भी आ जाए तब हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कैसे जैसे वह चार दिनों से बाजार जा रहा है लेकिन गया नहीं मतलब चार दिनों से बाजार जा रहा है जा रहा है लेकिन चार दिन समय आ गया ना तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा अब इसके हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है डू डज कंटिन्यूस में इज हम आर यूज होता है डू do, डज कब होता है जब प्लूरल होता है तो डू और सिंगुलर होता है तो डज इज सिंगुलर के साथ यूज होता है आई के साथ एम यूज होता है प्लूरल के साथ आर यूज होता है अभी मैं सिंगुलर प्लूर जो बता रहा हूँ सब्जेक्ट है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज यूज होता है प्लूरल है तो डू ठीक है इस तरह से ये है अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैव हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ ये तो हमारा रूल हो गया किसका प्रेजेंट का अब अगर हम बात करें कि एक्टिव वाइस में तो हमने रूल पढ़ लिया अब पैसि में रूल कैसे चेंज करेंगे तो अगर आपको प्रेजेंट सिंपल से मतलब प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव से पैसिव बनाना है तो डू डज जहां पर यूज हो रहा था वहां पर इज आर यूज करोगे आप Continuous में हो है। यहाँ पर भी इज एम आर यूज होगा और साथ में बीइंग भी लगाओगे ठीक है अच्छा परफेक्ट मेंज बिन हैव बीन अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाइज नहीं होता मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब मतलब पैसीवाइस नहीं होता एक्टिव एक्टिवाइज तो होता है लेकिन पैसीवाइस नहीं बनता इनका अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल का देखो पास्ट सिंपल से पहले आप प्रेजेंट सिंपल देखो इनडिफिनेट मतलब सिंपल ही होता है प्रेजेंट सिंपल में डू ड्रेस यूज होता है तो पास्ट में सिर्फ डी डी यूज होगा सिंगुलर और प्यूर दोनों के साथ डी डी यूज होगा अब अगर पास्ट सिंपल यूज़ हो रहा है एक्टिव में डिड मतलब तो पास्ट सिंपल का जो पैसिव पैसीवाइज बनाओगे वहां पर वॉज वर यूज़ करोगे अच्छा पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल को हम कैसे पहचानेंगे जैसे आया गया लिया वह आया तुम गए ये पास्ट सिंपल है ठीक है ये हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया अब पास्ट कंटिन्यूस का आपको पता है वहां पर रहा है होता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट में रहा था रहता होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में वॉज वर होता है तो पैसिव में क्या हो जाएगा वॉज वर्क ऑफ बींग

पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका पैसि बनता ही नहीं अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल तो फ्यूचर सिंपल में विल यूज होता है तो उसका अगर पैसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा विल बी क्या हो जाएगा विल बी ठीक है अब उसके बाद हम यूल इसके बाद का अगला रूल देख लेते हैं अगर अगला रूल यहां से देख लो आप मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ठीक है देखो फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया फ्यूचर so, कंटिन्यूस में क्या यूज होता है विल ठीक है तो विल बी और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता ठीक है फ्यूचर कंटिन्यूस का भी परफेक्ट मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव होता है और जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल हैव बीन हो जाएगा ठीक है अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है ठीक है पहले आप एक काम करो इस रूल को या इस रूल का स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करना और रूल याद करना ठीक है अगर स्क्रीन ले लिया तो अब इसका भी स्क्रीन ले लो इसका ठीक है बाकी के जो रह गए ठीक है अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं यहाँ से देता हूं, हटा देता हूँ हटा ठीक है और ये जो इतने भी यूज़ कर रखे हैं सभी को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि अब ये आपको समझा सकूँ मैं बाकी अगर आपको टेंस पढ़ना है मोडाइस पढ़ना है एक्टिवाइज पढ़ना है तो हमारा जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें जाके सारे ग्रामर पढ़ सकते हो आज जो डेट है आज है आपका 27 को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 27 ऑफ नवंबर 2021 अभी कुछ दिनों में मतलब इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ दिसंबर में सारे ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं रूल्स के वो सारे मैं अपलोड कर दूँगा ठीक है आज की डेट में तो अपलोड नहीं है लेकिन नेक्स्ट मंथ अपलोड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली चलो अब हम पढ़ते हैं आपकी बुक का प्रेजेंट सिंपल में वी ग्रो वेजिटेबल्स हेयर मतलब हमने सब्जियां यहां उगाई तो ग्रो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ठीक है अब पैसिव में क्या हो जाएगा तो वहां पर हम देख सकते थे ना डिड यूज होता था तो पैसिव के रूल में क्या था आर है ना इज एम आर तो प्लूरल है ना वी तो क्या हो जाएगा आर ग्रो का क्या हो जाएगा ग्रोन थर्ड फॉर्म यूज होता है ना देखो एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है सेकंड फॉर्म भी होता है थर्ड फॉर्म भी होता है लेकिन पैसिव में वर्ब का सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम चलो तो ग्रो का क्या हो जाएगा ग्रोन आर लग जाएगा क्योंकि हमने रूल में देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता था प्लूरल है तो क्या लगेगा आर लगेगा और वर्ब में आई लगता है इसमें ठीक है वर्ब में आन लगता है अब यहाँ पर देखो आर बीइंग लगेगा क्योंकि हमने वहाँ पर रूल पढ़ा था ग्रोइंग का क्या हो जाएगा ग्रोन थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है इसी तरह आप सारे रूल्स देख सकते हो सारे एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत है ना इजी हो गया होगा आप अच्छा पहले रूल देख लेना तब आप ये करना रूल को कॉपी में नोट कर लो तब ये देखो आपको आसानी समझ आ जाएगा चलो अब हम देखते हैं क्या है नाउ us लुक एट अ पैराग्राफ अबाउट द पीपल ट्री अब पीपल ट्री के बारे में भी पैराग्राफ लिखा है कि पीपल ट्री भी हमारे लिए बहुत उप है ना अच्छी चीज़ें हैं ना मतलब रेमिडीज़ देता है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है देखते हैं पीपल इज़ अ लार्ज फास्ट ग्रोइंग ट्री बड़ी जल्दी और बहुत लंबा पेड़ होता है इट हैज हार्ड शेप लीव उसकी जो पत्तियाँ होती हैं हार्ड है, शेप की होती हैं दिल की शेप की इट शेड्स इट्स लीव इन द माउंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ठीक है अप्रैल मार्च के महीने में उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं या पत्ते झड़ जाते हैं इट इज़ फाउंड इन लार्ज नंबर्स ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है द बार्क ऑफ ट्री इज यूज टू ट्रीटिंग स्वेलिंग ऑफ द नेक मतलब क्या है कि पेड़ की जो छाल होती है गर्दन की सूजन के इलाज में काम किया जाता है और क्या कह रहे हैं द हाँ जी द रूट्स आर च्यूड टू प्रिवेंट गम डिजीज जब मसूड़ा की बीमारी होती है तो इसके जड़ों को भी चबाया जाता है द पावर्ड फ्रूट इज यूज टू ट्रीटिंग स्थमा पिसा हुआ जो इसका फल होता है अस्थमा के प्रयोग के लिए मतलब अस्थमा के रोग के लिए प्रयोग किया जाता है एज यू सीन एज यू कैन सीन एज यू कैन सी द अंडरलाइन वर्ब्स इन द पैराग्राफ अबाउट इंडिकेट द दैसीवाइज वहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया नहीं था आप अपनी जॉब की, की बुक्स है वहां से अंडरलाइन कर लेना हाँ तो वो क्या कर इंडिकेट करता है पैसी वाइज इंडिकेट करता है रिमेंबर दैट द पैसी वॉइस ऑलवेज यूज़ द थर्ड फॉर्म अब मैं तो रूल बता चुका हूँ आपको बार बार क्या वही खेलें है ना तो ये वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं हाँ ना आए तो नेक्स्ट मंथ ग्रामर का अपलोड या जो आप अब बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप अपलोड हो चुका होगा आप देख सकते हो चलते हैं इंदौर

Uh, स्थानीय लोगों से पूछा जाता है कि कौन से पेड़ लगाएं कभी कभी नर्सरी से पौधे लिए जाते हैं और समुदाय के सदस्यों द्वारा लगाए जाते हैं वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उन वो लगाए जाते हैं रेगुलर कटिंग ऑफ स्मॉल ब्रांचेस ट्रिक्स एंड लीव्स इज डन टू मेक देम ग्रो फास्टर पीपल आर टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ कह रहे हैं कि छोटी शाखाओं टहनियों पत्तियों की नियमित कटाई लगातार कटाई की जाती है ताकि वे तेज़ी से बढ़ सकें लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताया जाता है अब यहां पर एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है आपको एक्टिव वाईस, वाईस करना है तो देखो यहां पर, यह पर इसकी हिंदी है और, और, और देखें अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आप भी बोर हो जाओगे आप इतना खुद से कर लो ईजी है आगे चलते हैं एजेक्टिव हैं पढ़ते हैं एजेक्टिव क्या है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग एडजेक्टिव ऐसा है जो किसी विक को बताता है इट मे डिस्क्राइब अ पर्सन अ फीलिंग और इमोशंस या किसी आदमी को किसी के फीलिंग्स को किसी के इमोशन के किसी जगह को किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्टिविटी को या किसी सिचुएशन को भी बताता है इट सोज द क्वालिटीज और क्वान्टिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन अब बात मेन बात यहाँ पर है देखो मतलब ये क्वालिटी या क्वांटिटी किसी नाउन को बताता है या दिखाता है

मतलब पेड़ और झाड़ियाँ ऑफर ऑफर देयर टेंडर लीव्स टू तो द फ्रेश एयर एंड मेनी डेलिकेट फ्लावर्स ओपन आउट इनटू तो द वार्म सन वसंत एक जादुई मौसम है पेड़ और झाड़ियों अपने कोमल पत्ते ताजी हवा में पेश करते हैं और कई नाजुक फूल गर्म धूप में खुलते हैं ऑल द हाइलाइटेड वर्ड्स जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थी मतलब वहाँ पर क्वालिटी बताए जा रहे थे हिंदी में भी पढ़ के आप समझ चुके होंगे दे आर यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन के बारे में बता रहे हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन वही होता है जब फूल अच्छी तरह से खिलते हैं ना पीले पीले फूल बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं चलो बाकी आप गूगल कर लेना स्प्रिंग सीजन उसमें दिख जाएगा आगे चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ वट काइंड जो क्वालिटी है वो किस प्रकार के प्रश्न को उत्तर देते हैं मतलब किस प्रकार का उसके उन्तर एक्सरसाइज है यहाँ पर है? कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय अंडरलाइन दिंग अब नीचे दिया है उसको अंडरलाइन करके बताना है द एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रूट ट्रीज एंड इट हैज लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन बर्ड्स एंड चिल्ड्रन हु लाइक टू ईट इट्स फ्रूट्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग द एप्पल ट्री गेट्स कवर्ड इन डेलीकेट स्प्रिंग फ्लावर्स विच फिल एवरी वन हार्ट विद प्रॉमिस ठीक है ये कह रहे हैं कि यहाँ से सेब अपने पसंदीदा फलों में से एक है और पक्षियों बच्चों में बहुत सारे दोस्त हैं जो फल को खाना पसंद करते हैं वसंत के दौरान पेड़ का सेब नाजुक गुलाबी फूलों से आच्छादित होता है मतलब वहाँ पर ऐसे फूल आ जाते हैं हर किसी के दिल को जो है एक वादे से भर देता है मजा आ जाता है उनको हाँ इट इज़ आउ द ब्रांचेज ऑफ लेडन विद मैनी रेड एप्पल्स चिल्ड्रेन एंड बर्ड्स के लुकिंग फॉर द जूसी फ्रूट्स एप्पल्स कैन बी इट एंड रॉ और ईट इट एन एप्पल इज ऑलवेज गुड फॉर यू कह रहे हैं कि शरद ऋतु में शाखाएँ कई लाल सेबों से लदी होती हैं रसदार फलों की तलाश में बच्चे और पक्षी आते हैं बच्चे सेब को कच्चा पकाकर खाया जा सकता है, है मीठी मिठाइयाँ जो होती हैं है ना उसमें भी डाली जाती है सेब मतलब डाला जाता है आप इसे खाने का भी तरीका चुन सकते हैं एक सेब हमेशा आपके लिए अच्छा होता है हम कहते हैं ना एक सेब डॉक्टर से डॉक्टर के पास जाने से बचाता है हर दिन एक अगर सेब खाते हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे अब एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी की बात करते हैं लेट अस नाउ लुक एट एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी अब क्वांटिटी मतलब मात्राओं के बारे में बात आएगी अब हम हाईलाइटेड वर्ड्स देखते हैं वहाँ पर हमें समझ आ जाएगा ऑल ट्रीज अब देखो यहाँ पर ऑल नंबर आ गया मैनी आ गया हंड्रेड आ गया मोस्ट आ गया मिलियंस आ गया फाइव थाउजेंड ये सारे क्या क्वान्टिटी है अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं अच्छा ये पूरा आप पढ़ लेना हिंदी पढ़ लेना ठीक है तब आगे बढ़ना एक्सरसाइज uh, टू में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो डू नॉट फॉरगेट टू कैपिटलाइज द कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर टू एवरी सेंटेंसेस कह रहे हैं कि जो विकल्प हैं रिक्सानों की पूर्ति कीजिए प्रत्येक वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करना ना भूलें ठीक है तो यहाँ पर एक यह क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका आंसर है वीडियो को पॉज कीजिए मैंने हिंदी भी लिख रखी है सभी की ठीक है अगर मैं एक्सप्लेन करना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ठीक है बाकी आ, आगे चलते हैं हम लेट्स राइट राइटिंग ए नोटिस में आगे कह रहे हैं नोटिस जो है हमारा मीन टू गिव इंफॉर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल नोटिस का मतलब होता है बड़ी संख्या लोगों को जानकारी देना होता है द मेम्बर ऑफ कॉलोनी स्कूल चिल्ड्रेन एज वेल एज देयर पेरेंट्स कैन ऑल बी इन्फॉर्म थ्रू नोटिस कह रहे हैं कॉलोनी के सदस्यों स्कूली बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता सभी को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जानकारी दी जा सकती है बताया जा सकता है नोटिस इज जनरली पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन अ कम्युनिटी हॉल स्कूलिंग स्कूल की बिल्डिंग है लाइब्रेरी और पब्लिक स्पेस लेटेस्ट रीड फॉलोइंग नोटिस कह रहे हैं कि नोटिस आप आमतौर पर जो सामुदायिक कम्युनिटी हॉल होता है, है स्कूल का स्कूल जो होता है आपका है ना स्कूल की, मतलब की आइए हम नोटिस पढ़ते हैं अब यहाँ पर नोटिस है एन स्टडी सेंटर चेन्नई नोटिस साइंस एग्जीबीशन 5 अगस्त टू थाउजेंडीडरी क्लासेस एग्जीबीशन इज बील अगस्त 2011 फ्रॉम 10 ए एम टू फोर पी एम एट द स्टडी सेंटर हिंदी मैंने लिख रखी है आप पढ़ सकते हो मतलब यही बता रहे हैं कि 20 से मतलब 20 अगस्त दो से सभी विद्यार्थियों को सुजित किया था कि 20 अगस्त 2011 को प्रातः दस बजे से शाम चार बजे तक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजित किया आयोजन किया गया रहा है? जा रहा है द थीम इज ट्री ऑफ इंडिया जो थीम है वो क्या है ट्री ऑफ ट्रीज ऑफ इंडिया वर्किंग मॉडल्स आपको मॉडल्स पे काम करना है चार्ट बनाना, बनाना है प्रोजेक्ट बनाना है वेलकम मतलब इस तरह पे आप लेकर आ सकते हो और यहाँ पर अपना दिखा सकते हो जो भी दिखाना है ऑल इंट्रीज बी सबमिटेड टू द अंडर साइन बाई सेवेंटीन अगस्त एट द साइंस क्लब हैं कि जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं है ना अदो हस्ताक्षरिय सत्रह अगस्त तक साइंस लैब में जमा हुई हैं मतलब जो भी आप करना चाहते हो सतारह तारीख तक जमा करा दो शांति का साइंस क्लब सेक्रेटरी उन्होंने कहा इसमें देखो कह रहे हैं मेन फीचर्स जो नोटिस का मेन फीचर होता है वो क्या होता है नेम ऑफ द स्कूल होना चाहिए ठीक है या जो जिसके बारे में लिख रहे हो आप उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हेडिंग होना चाहिए डेट होना चाहिए हु इज़ बिंग इन्फॉर्म किसको बता रहे हो तो आपने बताया था ना क्लास टेंथ के बच्चों को इवेंट क्या है जैसे कंपटीशन था वो बताया आपने डिटेल्स ऑफ इवेंट इवेंट को थोड़ा सा डिटेलिंग करके बता दिया आपने व्हाट इज द पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप वो भी बताना सिग्नेचर अथॉरिटी मतलब आप कौन हो और पैसे वाइस यूज करना चाहिए आपको चलो अब कह रहे हैं लेटेस्ट नाउ रीड द नोटिस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक अब यहाँ पर एक नोटिस इस टॉपिक पे लिखना है क्या है आपकी कॉलोनी एक होल्डिंग पोलियो अवेयरनेस कंपेन लगा कैंपेन लगा है ठीक है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे पर आपको कैंपेन कराया जा रहा है पोलियो का आपको नोटिस लिखना है उसमें लोकल कम्युनिटी सेंटर के लोगों को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में दे मे ब्रिंग ब्रिंग देयर चिल्ड्रेन एज फाइव ईयर्स और बिलो फॉर द पोलियो वैक्सीनेशन तो वो जो पाँच साल है पाँच साल से छोटे बच्चे हैं उनके वो यहाँ पर आएंगे पोलियो की वैक्सीन लगवाने के लिए अब यहाँ पर इसका आंसर है आप वीडियो को पॉज कर कर नोट कर सकते हो हम आगे चलते हैं मैसेज राइटिंग की बात करते हैं हम समटाइम्स वेन ही वी हैव टू कन्वे समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन हु मे नॉट बी देयर वी मे हैव सॉरी वी मे लीव अ रिटर्न मैसेज फॉर हीम कह रहे हैं कि कभी कभी हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं जो शायद वो है नहीं जैसे आप अपने दोस्त के पास गए वो है नहीं या आप कहीं जा रहे हो अपने घर लॉक कर रहे हो तो आप वहाँ पर एक मैसेज राइटिंग लिख दो मैसेज शुड नॉट बी शुड बी शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए एंड शुड कन्वे ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली छोटा होना चाहिए और पूरी जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए लेटेस्ट लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मैसेज देखते हैं क्या है फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड दिस दिस डियर मदर मम्मी को लिख रही है आई विल बी लेट इन कमिंग होम फ्रॉम द स्टडी सेंटर टुडे मतलब आज स्टडी सेंटर से घर आने में देर हो जाएगी आई एवन एक्स्ट्रा साइंस क्लास फ्राम टू पी एम टू फोर एम डोंट वरी अबाउट मी आई विल कम होम विद सुरेश मतलब देर हो जाएगी तो मैं दो से चार बजे का जो मेरा एक्स्ट्रा क्लास है ठीक है उसकी वजह चिंता की बात नहीं मैं सुरेश के साथ घर आ नेम जो भी नाम है यहां पर लिख दोगे आप ठीक है आगे चलते हम अब एक्सरसाइज टू में कह रहे हैं कि आप भी अपनी बातें बताओ मैसेज क्या करना संजय फ्रॉम संजय टू सना सना को संजय है ना संजय फ्रॉम संजय है ना तो मतलब संजय से सना को मैसेज देना है सना एबसेंट फ्रॉम स्कूल टुडे सना आज स्कूल में अनुपस्थित है मतलब आज वो नहीं आई साइंस टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे अगले दिन साइंस जो पेपर है वो होने वाला है टीचर वॉन्स टू चेक द नोटबुक ऑल्सो टीचर भी नोटबुक की अवश्य जांच करेंगे कि क्या क्या लिखा आपने तो नोट भी कह रहे कि मोर टिप्स आ, मैसेज राइटिंग रेफ मतलब आपको स्टेलिंग एंड अलॉटमेंट एलौ, जो आपने चैप्टर पढ़ा था वहाँ से भी आप इसे हेल्प ले सकते हो कि कैसे हम राइटिंग करते हैं ठीक है बाकी आपको क्वेश्चन यहीं से यहाँ यहाँ से यहाँ तक ही है ठीक है अब यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख रखा है ठीक है आगे चलते हैं हम वट यू हैव लर्न आपने क्या सीखा तो आप देख सकते हो आपने क्या सीखा है यहाँ पर ठीक है क्या क्या उपयोगी चीज़ें होती हैं है ना हमें भी ऐसे पेड़ लगाने चाहिए ये सब सारी बातें बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार प्लीज़ आप पढ़ लीजिए चलो टर्मिनल क्वेश्चन आ गया दिस लेसन इज टाइटल द विलेज फार्मेसी डू यू थिंक दिस इज अप्रोप्रियट टाइटल क्या आप सोचते हो कि जो विलेज फार्मेसी टाइटल है सही है अगर सही है तो क्यों है इसको जस्टिफिकेशन करना है तो आंसर है इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल बिकॉज अ फार्मेसी इज प्लेस, प्लेस वेयर वन गेट्स मेडिसिन ऑफ वेरियस काइंड हाँ सही है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की मतलब विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं ऐसे ऐसे ठीक है फॉर द विलेज पीपल अच्छा हाँ इन द सेम वे द नीम ट्री प्रोवाइड्स क्योर्स ऑफ सेवर काइंड ऑफ डिजीजेज हाँ ये तो हमने पढ़ लिया फॉर द विलेज पीपल इट इज़ द सेफ एंड ईजी आंसर टू सेवरल ऑफ देयर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स तो गांव के जो लोग होते हैं कई बीमारियां जो सामान्य बीमारियां होती हैं उस समस्या को दूर करने के लिए नीम का यूज़ करते हैं या जो देसी तरीका होता तो है वो यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका नीमा ग्रैंड हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द नीम ट्री हाँ बहुत सारी नॉलेज थी नेम ट्री के बारे में लिस्ट एट इज टेन थिंग्स दैट द टोल्ड नीमा अबाउट दी तो दस बातें जो बताएं तो उसको लिखना है तो यहाँ पर दस बातें लिख रखी हैं हिंदी भी आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन है यू हैव रीड अबाउट द मेनी यूजेज ऑफ नीम आपने नीम के बहुत सारे यूजेज देखे हैं वुड यू लाइक टू स्टार्ट यूजिंग नीम प्रोडक्ट्स क्या नीम प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहोगे आर यू इंस्पायर टू यूज़ मोर नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक नीम गिव रीजन फॉर योर आंसर तो क्या आप और भी प्रोडक्ट्स यूज करोगे है ना जैसे नीम का है नीम के फायदे देखे आपने और भी ऐसे इंस्पायर्ड हुए आप तो रीज़न देना तो रीजन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी लिखा है ये रीज़न आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है चलो आगे चलते हैं हम डू यू नो फोर्थ क्वेश्चन है डू यू नो दिसाइड्स दैट बिसाइड्स नीम देयर आर मेनी अदर्स ट्रीज अराउंड आर वेरी यूजफुल क्या आप जानते हैं कि नीम के अलावा हमारे आसपास भी कई पेड़ ऐसे जो बहुत उपयोगी हैं फाइंड आउट दोज फाइंड आउट टू मोर सच ट्रीज एंड राइट एटलीस्ट थ्री वेज इन विच ईच ऑफ देम कैन बी यूज ये कह रहे हैं कि ऐसे दो वृक्षों के बारे में पता लगाइए कम से कम तीन तरीके से लिखिए जिनमें से प्रत्येक का उपयोग किया जा सके अब यहाँ पर इसका आंसर यहाँ लिख रखा है मैंने ठीक है एलोवेरा हो गया लेमन ग्रास हो गया तुलसी हो गया उसके बाद यहाँ पर इसके फायदे हैं उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाँ वीडियो को पॉज करके प्लीज आप लोग पढ़ो क्योंकि हिंदी भी लिख रखा है मैंने बड़ी आसानी समझ आ जाएगा चलो मैच द पार्ट्स ऑफ ए मैच करना है यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ नेम ट्री यूजेस ठीक है तो ये तो होगा क्वेश्चन आपका ये हो गया आपका आंसर मैंने इसकी हिंदी भी लिख रखी है कहाँ कहाँ यूज होता है जैसे बार्क सीड्स लीव्स किस काम में आते हैं मेडिसिन से जो है क्लीन टीथ दांत साफ करने के काम आते हैं फैलन लीव्स मतलब गिरे हुए जो पत्ते होते हैं ऑर्गेनिक मेन्यर बनाते हैं नीम वुड जो होते हैं वो कारपेंट्रिक काम आते हैं नीम का जूस जो है ब्लड प्योरीफाई करने के काम आता है जैसे एक हमदर्द की मेडिसिन है जिसको हम क्या कहते हैं मुझे नाम अगर याद तो मैं बता देता हूँ जोशीना शायद नाम है नहीं जोशीना तो नहीं है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है नहीं बता देता हूँ आपको वो नीम का ही होता है ठीक है चलो सिक्स क्वेश्चन है

अच्छा ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा था है ना फिफ्टी वन पेजेस का था यहाँ पर तो इसे थोड़ा टाइम लगा ठीक है बाकी इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं आप हमारी वेबसाइट है नैस एडमिशन क्लासेस डॉट कॉम जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो ठीक है तो बाकी अगर सही लगा तो क्या करना आपको पता ही है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में